नमस्कार दोस्तों, अरुण शौरी कितने बुद्धिजीवी थे, दक्षिण पंथ में उनसे बड़ा बुद्धिजीवी एक समय कोई माना नहीं जाता था। वामपंथ को द वनली फादरलैंड लिख के जिस तरह से उन्होंने बेनकाब किया, अंबेडकर वादियों को द फॉल्स गॉड लिख के जिस तरह से उन्होंने बेनकाब किया, दक्षिण पंथ में ऐसा शायद ही कोई कर पाया। उन्होंने इस्लाम को फतवे उलेमा और उनकी दुनिया लिखकर जिस तरह से बेनकाब किया, दक्षिण पंथ में कोई इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाया। लेकिन मोदी सरकार में उन्हें एक मंत्री पद नहीं मिला, वो उस ऊंचाई से इस निचाई तक गिरे हैं कि देखकर दुख होता है। आज वो उसी वामपंथ के वामपंथियों के हाथ का खिलौना और कठपुतली बनकर रह गए हैं, उसी प्रशांत भूषण का जिसकी विचारधारा को उन्होंने एक्सपोज किया था कभी, उसी राहुल गांधी का जिसके विचारधारा को कभी उन्होंने एक्सपोज किया था। आज वो यशवंत सिन्हा, प्रशांत भूषण, उन्होंने सीबीआई में जो नूरा कुश्ती चल रही थी उसके खिलाफ एक याचिका डाला कोर्ट में, और सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं आलोक वर्मा, उससे चोरी छुपे ये लोग मिलने भी गए कि नरेंद्र मोदी को दबोच लीजिए राफेल विवाद में। अरुण सोढ़ी का कहना है कि सीबीआई पे बहुत अधिक दबाव है, वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर सकती है, इसलिए केंद्र सरकार को निर्देश दीजिए, वो कोर्ट को कह रहे हैं। वो यह भूल रहे हैं कि व्यवस्था एक समय वह खुद वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे थे और विनिवेश मंत्रालय में जो गड़बड़ियां हुई थी उन पर कितने आरोप थे। वो ये भूल रहे हैं कि जांच की प्रक्रिया क्या होती है। अरुण सॉरी लिखते हैं कि मोदी खुद डरे हुए हैं सीबीआई से। अगर मोदी डरे होते तो सीबीआई पे जो उन्होंने कार्रवाई की है वो नहीं कर पाते। डरा हुआ इंसान कार्रवाई नहीं कर पाता। और अरुण सॉरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से आईना दिखाया कि मिस्टर सॉरी, मिस्टर प्रशांत भूषण, मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर यशवंत सिन्हा, आप गलत हैं, क्योंकि आलोक वर्मा की जांच सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है। आलोक वर्मा को तत्काल पद पे बाहर चाहते थे अरुण सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा पर जांच के लिए कमिटी का गठन कर दिया है अपने ही एक जज के नेतृत्व में। अरुण सॉरी की जो तर्क हैं, अरुण सॉरी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के डरने की तीन वजह हैं। सीबीआई में उनके खास आदमी राकेश अस्थाना पर अधिक दबाव पड़ा तो वो राज खोल सकते हैं। किस तरह का राज? राकेश अस्थाना के खिलाफ आलोक वर्मा ने तो सारे दस्तावेज दिए हैं, और वो जो दस्तावेज है जो सबने छापे हैं वो तो अहमद पटेल से जुड़े हुए दस्तावेज दिए हैं। खुद आलोक वर्मा ने अस्थाना के खिलाफ जो दस्तावेज दिए हैं वो अहमद पटेल की पारिवारिक कंपनी संदेशरा ग्रुप से जुड़ा हुआ है। मिस्टर अरुण सॉरी, क्या इस उम्र में आपका दिमाग बिल्कुल चलना बंद हो चुका है? वो राज अहमद पटेल से जुड़ रहे हैं, न कि नरेंद्र मोदी से। दूसरा कह रहे हैं सीबीआई का वो जिस तरह से इस्तेमाल करना चाह रहे थे नहीं कर पा रहे थे। आप दूसरी तब कह रहे हैं कि हटा दिया, नहीं कर पा रहे थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से ऊपर सीबीआई काम कर रहा है तो कर ही रहा है, प्राइम मिनिस्टर नहीं ही चाहते हैं। अगर उनको अपने पक्ष में सीबीआई का इस्तेमाल करना होता तो सीबीआई के दोनों अधिकारी, जिसको आप नरेंद्र मोदी के नजदीकी बता रहे हैं राकेश अस्थाना को, उसको भी नहीं हटाते, छुट्टी पे भेजते। आलोक वर्मा को तो नहीं ही हटाते, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ही आलोक वर्मा को सीबीआई का डायरेक्टर बना के लाई थी, मिस्टर अरुण सॉरी। तीसरा आपका कहना है कि आलोक वर्मा जैसा स्वतंत्र अधिकारी राफेल पे जांच कर देता तो क्या होता, क्योंकि सीबीआई निदेशक को जांच शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री या किसी और की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया। अभी आप जिस प्रशांत भूषण के साथ मिलकर ये कह रहे हैं, मिस्टर अरुण सॉरी, आलोक वर्मा को जब मोदी सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर बनाया था तो भी आप लोग जाके कह रहे थे आलोक वर्मा भ्रष्ट है। अभी आप कह रहे हैं एक स्वतंत्र अधिकारी, ब्रेव अधिकारी, तब उस समय आप झूठ बोल रहे थे, आपके साथ ही झूठ बोल रहे थे प्रशांत भूषण, तब झूठ बोल रहे थे, आप ये मानते हैं फिर? या तो तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं।
राफेल पे जांच की जो आप बात कर रहे हैं, आपने राफेल के पूरे मुद्दे को आप लोगों ने झूठ इतना फैलाया है, राफेल का एक एक परत सच सामने आ चुका है कि राफेल यूपीए सरकार से सस्ते में खरीदा गया। राफेल में अनिल अंबानी की कंपनी को फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन लेकर आई, वो 30,000 करोड़ का टेंडर नहीं दिया उसने अनिल अंबानी को, 850 करोड़ का टेंडर दिया। अनिल अंबानी के अलावा 29-30 और कंपनियां हैं राफेल में ऑफसेट में, और मिस्टर अरुण सॉरी राफेल के जिस तरह से आप राफेल की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप राहुल गांधी की पीढ़ी होकर रह गए हैं। आपके जैसे बुद्धिजीवी से हमें ये आशा नहीं थी। मैं आपको पढ़ के हम लोगों ने काफी कुछ सीखा है। मुझे अफसोस होता है मिस्टर अरुण सॉरी कि आपने शिखर से पताल तक पहुंचने में जरा भी वक्त नहीं लिया। आप इस विचारधारा के साथ रहते, एक बुद्धिजीवी बन के हमेशा माने जाते, मंत्री भले न होते, लेकिन आपने उस पूरी विचारधारा को धोखा दिया जिसके साथ के पक्ष में आप लड़ने का दावा करते रहे। अरुण सॉरी, दुख होता है कि आप सिर्फ राहुल गांधी के पीडी बनकर रह गए हैं। धन्यवाद।